नमस्कार, मैं हूं जुगल किशोर। आप देख रहे हैं खबर 7 सी न्यूज चैनल। चलिए बढ़ते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। फिरोजाबाद में एसएसपी सचिंद्र पटेल के निर्देशानुसार जनपद के विभिन्न थानों में चोरी से लूटी गई मोटरसाइकिल की बरामदगी और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के क्रम में एसपी सिटी राजेश कुमार के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी नगर संजय वर्मा के पर्यवेक्षण में 26 अक्टूबर 2018 को थाना उत्तर निरीक्षक नईम अहमद मय हमरा फोर्स चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति वाहन के दौरान मोबाइल से सूचना मिली कि बाईपास रोड पर ओपी स्कूल से पहले दीवार के पीछे कुछ व्यक्ति मोटरसाइकिल व एक्टिवा लिए खड़े हैं, जिन्हें वे लोग कहीं ले जाने की फिराक में हैं। इस सूचना पर निरीक्षक नईम अहमद द्वारा मय हमरा फोर्स के मौके पर पहुंचकर दबिश देकर तीनों चोरों को पकड़ा गया। सर, आज किस तरह का अनावरण किया गया है? शहर क्षेत्र में बढ़ती चोरी और लूट की घटनाओं की रोकथाम के लिए श्रीमान पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद महोदय के निर्देशन में और एसपी पर्यवेक्षण में जो है लगातार जो है चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी चेकिंग अभियान के दौरान बाईपास ओपी स्कूल के पास जो है 3 साकेट चोर मिले, जिनके पास से 6 मोटरसाइकिल और 2 स्कूटी बरामद हुई। दौरान जामा तलाशी उनके पास से 2 तमंचे भी बरामद हुए हैं। मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया और इनको जेल भेजा जा रहा है। सर, इनके पहले कोई आपराधिक इतिहास? इनका जो पता किया जा रहा है वहाँ आगरा और मथुरा से भी ये जेल में गए हैं। इसमें जो एक अभियुक्त रिंकू है वो सातिक किस्म का चोर है और इसमें पहले से भी मुकदमे हैं। बाकी जो इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री है और थानों से उसका हम लोग पता लगवा रहे हैं। जैसे आएगी उसको हम लोग अपने मुकदमे में उसको इंक्लूड करेंगे।